नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं जौहर आपका दोस्त। मैं अपने चैनल आयुर्वेद जड़ी बूटी ज्ञान में आपके लिए लेकर आता हूं झारखंड के सुदूर इलाकों से जड़ी बूटियों का खजाना। दोस्तों आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं पुनर्नवा की जड़ी के विषय में। पुनर्नवा, इससे पहले मैंने आपको पुनर्नवा की वटी यानी औषधीय गोलियों के विषय में बताया था। आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ पुनर्नवा का पौधा, देखकर पहचान लीजिए, इसे ही पुनर्नवा कहते हैं। पुनर्नवा का अभिप्राय होता है पुनः शरीर को जवान कर देने वाली। यह एक रसायन औषधि है, यह एक रसायन पौधा है जिसके सेवन करने से रक्त साफ होती है और यह शरीर को जवान रखने में मदद करती है। दोस्तों यह गर्म प्रदेशों में बहुतायत में पाई जाती है। बहुत सारे क्षेत्र में, इलाके में इसके अलग अलग नाम हैं। हिंदी में इसे गदह पूर्णा के नाम से जाना जाता है, साठी भी कहते हैं, गदह बिंडो भी कहा जाता है। संस्कृत में इसे पुनर्नवा, सोत घनी, मराठी में घेटुली, खापरा तथा अरबी में हंद कुकी के नाम से जाना जाता है। पंजाब में इसे इटसीट भी कहते हैं। दोस्तों यह दो प्रकार की होती है, लाल एवं सफ़ेद। अधिकतर यह लाल ही प्राप्त हो पाती है, सफ़ेद बहुत मुश्किल से और बहुत कम मिलती है। 3 से 6 फीट की ऊंचाई तक इसकी हाइट होती है और इसके पंचांग को सेवन किया जाता है। पुनर्नवा पीलिया रोग में उपयोग किया जाता है, खून के विकारों में, सूजन में, मोटापा में, जलोदर यानी पेट में पानी भर जाने में, पेशाब संबंधी रोगों में तथा बहुत सारे और भी रोगों में जैसे खांसी, दमा। आइए मैं आपको इसके कुछ प्रयोग बताता हूँ। इससे पहले यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें मेरे वीडियोस को और शेयर करें जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो। चलिए चलते हैं, इसके कुछ प्रयोग जान लें। यह सूजन में बहुत लाभदायक है, जिसे सोथ कहते हैं। सूजन में मैंने पहले बताया था कि 1 ग्राम का 1/4 भाग या पुनर्नवा मंडूर की एक गोली दिन में 3 बार यदि आप सेवन करते हैं तो यह आपके शरीर के सूजन को खत्म करती है। यदि आपको यह पौधा कहीं से प्राप्त हो जाता है, ताजे अवस्था में मिल जाता है, तो लगभग 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में इसके पत्तों का रस निकाल लें, इसकी जड़ के रस निकाल लें यानी इनके पंचांग का रस निकाल लें और 10 ग्राम इसमें सौंठ मिला दें और सौंठ मिलाकर इसका सेवन करें तो यह आपके शरीर के सूजन को दूर कर देगा। बहुत सारे इलाकों में, गांव देहातों में इसके पत्तों की सब्ज़ी बनाकर भी खाई जाती है। यदि आप इसके पत्तों की सब्ज़ी बनाकर खाते हैं तो यह आपके शरीर में आई किसी भी प्रकार की सूजन को दूर करती है। बहुत प्रसव के बाद महिलाओं में शरीर में एक तरह का सूजन महसूस किया जाता है, तो बहुत सारी हमारी महिलाएँ, माताएँ, बहनें इस रोग से ग्रसित हो रहती हैं कि डिलीवरी के बाद उनके शरीर में एक तरह का सूजन हो जाता है। तो यदि वह पुनर्नवा के पत्तों के रस का यदि सेवन करते हैं तो उनके सूजन में कमी आती है। सौंठ के साथ प्रयोग करें तो उनका सूजन जल्दी ही दूर होता है। इसी प्रकार हमारे पीलिया रोग में जो व्यक्ति पीलिया रोग से ग्रसित हैं, वह इसके जड़ को छोटे छोटे टुकड़े कर 21 टुकड़ों को लें और इन टुकड़ों को माला बनाकर यदि गले में धारण करते हैं तो इसके पहनने मात्र से ही पीलिया ठीक हो जाती है। दोस्तों यदि इसके रस को मकोए के रस के साथ 1 कप पानी में मिलाकर यदि आप सेवन करते हैं या सिर्फ इसके पत्तों को पीसकर यदि आप पानी में मिलाकर शरबत बनाकर पीते हैं तो यह आपके पीलिया रोग को भी दूर कर देती है। गुर्दे में यदि किसी तरह की परेशानी हो, पेशाब नहीं हो रहा हो, ठीक, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पुनर्नवा की 10 से 20 मिलीलीटर पंचांग के रस को
काढ़े को सेवन करें तो यह आपके गुर्दे के रोगों को भी दूर करती है। बहुत सारे इसी प्रकार के रोग और बहुत सारी जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष अपने चैनल के माध्यम से आता रहूँगा और आपको इसके विषय में, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के विषय में, रोगों के विषय में जानकारी देता रहूँगा और आपको रोग मुक्त करने का प्रयास करता रहूँगा। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें वीडियोस को और शेयर करें जिससे दूसरों को भी इसका लाभ मिलता रहे। थैंक यू।